गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले सेकंड लैंड सोयल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में, जैसे कि हम कुछ दिनों से इसके बारे में हम डिस्कस भी कर रहे हैं। हम शुरू करते हैं। इन ए स्मॉल विलेज इन तंजानिया अफ्रीका, मांबा गेट्स अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग टू फेच वाटर। सी हैज़ टू वॉक ए लॉन्ग वे एंड रिटर्न आफ्टर ए फ्यू आवर्स। सी हैज़ हेल्प्ड हर मदर्स इन द हाउस एंड जॉइंस हर ब्रदर इन टेकिंग केयर ऑफ देयर गोट्स। ऑल द फैमिली ओवन इन द पीस ऑफ रॉकी लैंड्स अराउंड देयर स्मॉल हट। मांबाज फादर कैन बेरली ग्रो सम मेज एंड बीन्स ऑन इट आफ्टर टॉयलिंग हार्ड। दिस इज़ नॉट एनफ टू फीड देयर फैमिली फॉर द होल ईयर। देखो, एक छोटा सा गाँव है तंजानिया के अंदर, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर। मांबा एक लड़की है, वो बहुत सुबह जल्दी उठती है और क्या है, बहुत लंबी दूरी तय करती है वहाँ से वाटर लाने के लिए। उसके बाद काफ़ी घंटे के बाद वो वापस रिटर्न भी हो जाती है। उसके बाद वो अपने जो माता की जो हेल्प करती है हाथ के काम सॉरी घर के काम करने में, इसके अलावा क्या है, अपने भाई की देखभाल के अंदर भी वो क्या है अपना हाथ मतलब ध्यान रखती है। उसके बाद सॉरी एक मिनट रुके एंड जॉइन हर ब्रदर। उसके बाद वो अपने भाई के साथ क्या अपनी जो बकरियों की देखभाल करती है। ऑल हर फैमिली ओन जो सभी जो जितनी जो उसकी फैमिली है, उसके पास एक छोटा सा जो है रॉकी माउंटेन्स है, यानी कि एक आप कह सकते हैं कंकड़ पत्थर वाला क्या है कि इलाका है, खेत है, और एक छोटी सी हट के नज़दीकी उनकी मिलेगी आपको। उसके बाद है उसका फादर काफ़ी कम मात्रा में ही क्या वहाँ पर जैसे मेज़ या बीन्स की बात करके बात है कि भाई ये थोड़ी मात्रा में ही वो वहाँ पर टिल्ट कर पाते हैं भूमि को, जिससे और इतना ही वो कमा पाते हैं कि उनका जो है गुजारा भी चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सारा का सारा साल के लिए। पीटर लिव्स इन हार्ट ऑफ सीप्स सीपरेरिंग रीजन्स इन न्यूजीलैंड वेयर हैज फैमिली रन्स ए फ्यूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री। एवरी डे व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल, पीटर वॉचेस हिज अंकल टेकिंग केयर ऑफ देयर सीप्स यार्ड इन सिचुएटेड ऑन द वाइड ग्रासी प्लेन्स विद अ हिल इन द फोर डिस्टेंस। इट इज़ मैनेज्ड इन ए साइंटिफिक वे यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। पीटर्स फैमिली ऑल्सो ग्रो वेजिटेबल्स थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल जो यहाँ पर दिया गया वो पीटर का दिखा रखा है। पीटर क्या है, एक जो है एक न्यूजीलैंड के अंदर रहने वाली फैमिली से बिलोंग करता है और वो क्या है सिप रेयरिंग रीजन के अंदर रहते हैं और वो क्या है एक वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री उनके घर पे आपको देखा वो उनकी फैक्ट्री है जिसमें क्या है वो वूल निकालते हैं, यानी कि वो ऊन निकालने का प्रक्रिया कर रहे हैं। उसके बाद जैसे वो हर दिन स्कूल से वापस आता है, उसके बाद उसके अंकल को देखता है जो सिप्स की क्या देखभाल कर रहा, जो सिप्स का यार्ड है जहाँ पर जो उनको रखा जाता है वो बहुत चौड़ा और उसके आसपास जो ग्रासी प्लेन है और हिल्स के आपको नज़दीक देखने को मिल जाएगा, हिल्स इन द फार डिस्टेंस और दूर दूर तक आपको हिल्स देखने को मिलेंगी। और ये जो है एक साइंटिफिक तरीके से जो मैनेजमेंट की गई है और उसके बाद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यहाँ पर उपयोग की गई है। और इसके अलावा जो उसका परिवार है जो वेजिटेबल्स उगाता है और जैविक खेती के जरिए वो ऐसा काम करती है। मांबा एंड पीटर स्टे इन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड लेड वेरी डिफरेंट लाइव्स। दिस डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंसेस इन द क्वालिटी ऑफ लैंड सोयल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एनिमल्स एंड द यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी। द अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज द मेन रीजन प्लेस इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो हम बात करें मांबा और पीटर की, जो हमने बात की कि दोनों अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, जिस सब के दो अलग भागों से आते हैं, जैसे कि हमने बात की एक अफ्रीका और एक न्यूजीलैंड से आते हैं। और ये जो डिफरेंशिएट आपको इतना बड़ी मात्रा में जो देखने को आया वो है लैंड की क्वालिटी की वह कारण, वहाँ सोयल किस प्रकार की थी, वहाँ पर वाटर था यानी नेचुरल वेजिटेशन है, एनिमल है, या टेक्नोलॉजी किस प्रकार की थी, उन कारणों से क्या इस प्रकार की विशेषता आपको देखने को मिलेगी। द अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज इज़ द मेन रीजन प्लेस डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। दो जो हम बात करें कि जितने भी रिसोर्सेज हैं, ये रिसोर्सेज ही क्या है जो मुख्य रूप से कारण है कि वहाँ पर जो आपको अलग अलग प्रकार की प्रक्रिया आपको देखने को मिल रही है। उसके बाद हम बात करते हैं लैंड। लैंड इज़ अमोंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। इट कवर ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सर्फेस लैंड एंड ऑल पार्ट ऑफ द स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेंट। जो लैंड होता है वो सबसे प्रमुख जो है हमारा क्या नेचुरल रिसोर्सेज होता है, ये जो लगभग 30% का एरिया कवर करता है टोटल जो जोग्राफिकल एरिया हमारा, और जो है सभी जो है ऑल पार्ट ऑफ द स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेंट, और सारे के सारे जो क्षेत्र हैं सॉरी एंड ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेंट, यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये जो जितना भी जो 29% है इसके ऊपर सभी जगह पर क्या है आपका मनुष्य रहता हुआ आपको देखने को नहीं मिलेगा। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू द वेरी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लैंड एंड क्लाइमेट। यदि हम बात करें कि जो हमें ये जो है असमान वितरण मिलता है जो पॉपुलेशन का,
वो क्या है, इसका कुछ कारण है और वो कारण क्या है आपको देखने को मिलेंगे। वो सबसे पहला जो कारण है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट, यानी कि उसकी भूमि और वहाँ का जो है जलवायु किस प्रकार की वो डिफाइन कर रही है। द रग्ड टोपोग्राफी स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स लो लेइंग एरिया सस्पेक्टली टू द वाटर्स लुकिंग डेजर्ट एरियाज थिक फॉरेस्टेड एरियाज आर नॉर्मली स्पेयर्सली पॉपुलेटेड और इनहैबिटेंट्स प्लेन्स एंड रिवर्स वैलीज ऑफर सुटेबल लैंड फॉर द एग्रीकल्चर हैंस दीज आर द डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। देखो जो हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं कि भाई जो हम एरिया की बात करें ना कि पॉपुलेशन जो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड देखने को मिल रही है, उसके कारण है कि वहाँ पर क्या स्लोपी एरियाज है, स्टीप स्लोप मिलेगा या दलदलीय पोर्सन की बात की है जहाँ पर पानी ज़्यादा ठहर रहा है, डेजर्ट का एरिया हो सकता है, या फिर जो है वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में क्या आपको फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट देखने को मिल रहे हैं। तो ये क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर क्या है पॉपुलेशन बहुत कम आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा जो रिवर्स वैली होती हैं जितनी भी जो नदी की जो घाटियाँ होती हैं वहाँ पर आपको विश्व की सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या निवास करते हुए देखने को मिल जाएगी। इसके लिए एक और बात ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको समझाई थी यहाँ पर जो है जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होती है वो बहुत बड़ी मात्रा में आपको देखने को मिली है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन आप सभी पढ़ के आए कि भी एक स्क्वेयर किलोमीटर के अंदर कितने जो लोग रहते हैं उनको क्या कहता था, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहा जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो है ये जो प्लेन एरियाज होते हैं यहाँ की जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होती है वो बहुत बड़ी मात्रा में ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद हम बात करते हैं लैंड यूज़ की। देखो लैंड यूज़ इज़ द यूज़ फॉर डिफरेंट पर्पज़ सच एज एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री माइनिंग बिल्डिंग हाउसेज रोड्स सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज दिस इज़ कॉमनली टर्म एज ए लैंड यूज़। देखो हमारी जो भूमि होती है हम उसको अलग अलग कार्य के लिए उपयोग करते हैं, हमारे पर्पज़ होता है जैसे कि एग्रीकल्चर का होता है वहाँ पर फॉरेस्ट निकल लगाएंगे, माइनिंग का कार्य करेंगे या बिल्डिंग कर हम हाउस बना रहे हैं वहाँ पर, रोड हो सकते हैं या फिर हम कोई इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, तो इसी को क्या है टर्म को क्या करते हैं लैंड यूज़ का नाम दिया जाता है। इसका मतलब देखो नॉर्मल वे में है कि भी जैसे हमारी जो सरफेस की भूमि है इसके ऊपर हमने इस भूमि का किस प्रकार से उपयोग किया है उसी को हम क्या कहेंगे लैंड यूज़ का नाम देंगे। जिस प्रकार से दोबारा से बनाते हैं, मान लीजिए यहाँ पर कोई नदी है, यहाँ पर हमने खेती की हुई है, यहाँ पर क्या है हमने कोई अपना घर बना लिया, यहाँ पर स्कूल बना लिया, यहाँ पर हॉस्पिटल बना लिया, मान लीजिए इसको रोड मान लीजिए, यानी कि ये लैंड यूज है, इसको लैंड यूज कहा जाता है। उसके बाद है कैन यू लिस्ट आउट टू डिफरेंट वेज हैं विच मांबाज एंड पीटर्स फैमिली यूज देयर लैंड्स। तो आपने दो प्रकार के डिफरेंस निकालने की जो पीटर्स और मांबाज हैं जो उनके लैंड के ऊपर आप डिफरेंशिएट जो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। द यूज़ ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय द फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी सोयल क्लाइमेट मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर्स। ह्यूमन फैक्टर्स सच एज द पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट डिटरमाइनेट्स ऑफ द लैंड यूज पैटर्न। इसके बाद हम जो बात कर रहे हैं जो हम भूमि का उपयोग कर रहे हैं वो कुछ चीज़ें होती हैं वो प्रभावित करते हैं कुछ, जैसे कि भौतिक कारक होते हैं जैसे टोपोग्राफी है, वहाँ की सोयल कैसी है, क्लाइमेट कैसा, मिनरल्स कैसा है और वहाँ पर पानी किस प्रकार से मिल रहा है। इसके अलावा वहाँ पर ह्यूमन फैक्टर भी आपके प्रभावित करते हैं कि भी वहाँ पर पॉपुलेशन कितनी रह रही है, टेक्नोलॉजी हमारे पास कितनी है, इसके अलावा क्या है वहाँ पर डिटरमाइनेशन के लिए जो पैटर्न किस प्रकार का हुआ, ये कुछ फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं, ठीक है। देखो जिस प्रकार से हम बात करें, मान लीजिए हमें कोई इंडस्ट्रीज ही लगानी है, हम कोई अच्छी प्रकार से हमें याद मान लीजिए कृषि करना चाहते हैं, तो देखो हमारा जो कृषि करने की जो हम बात करें तो हम चाहेंगे कि जहाँ पर एलुवियल सोइल हमें देखने को मिल रही है हम वहाँ पर कृषि करना पसंद करेंगे। इसके अलावा जो दूसरी बात है कि भी हो सकता है जो टोपोग्राफी क्या है हमारी अच्छी मतलब अनइवन हो तो वहाँ पर हमें इंडस्ट्रीज लगाना हमें अच्छा ना लगे, वहाँ पर लग नहीं पाए। उसके बाद ह्यूमन फैक्टर भी प्रभावित करते हैं कि भाई हम मान लीजिए हमें कोई बाज़ार के अंदर आप ये कह सकते हैं कि भाई फैक्ट्री ही की बात ही कर लेते, कोई उद्योग लगाना चाहते हैं हम, तो वहाँ पर अगर पॉपुलेशन ही नहीं है, वहाँ पर वर्कर ही नहीं मिल पाएंगे, तो वहाँ पर क्या पॉपुलेशन आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगी, तो वहाँ पर क्या है इंडस्ट्रीज क्रिएट करना बहुत ही मुश्किल कार्य हो जाएगा। तो कुछ फैक्टर हैं, ये तो एक छोटा सा एग्जांपल दे के मैंने आपको समझाया है। लैंड कैन आल्सो बी क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एज ए प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल वेयर एज कम्युनिटी लैंड इज ओन्ड बाय द कम्युनिटी फॉर द कॉमन यूज लाइक कलेक्शन ऑफ द वाटर फॉर फ्रूट्स नट्स और मेडिकल हर्ब्स। दीज कम्युनिटी लैंड्स आर आल्सो कॉल्ड द कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज।
उसके बाद क्या है कि जो लैंड होती है उसको हम क्या है क्लासिफाई करते हैं उसकी ओनरशिप के द्वारा। ओनरशिप का मतलब क्या है कि भी उसका स्वामित्व कौन है। जैसे शायद हमने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था कि भी प्राइवेट है या फिर कम्युनिटी लैंड है, इसको कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स भी कहते हैं। यानी कि जो प्राइवेट लैंड होगी ना उसके ऊपर किसी एक व्यक्ति का, इंडिविजुअल का राइट होगा, एक व्यक्तिगत व्यक्ति का ही उसके ऊपर योगदान होगा। जबकि कम्युनिटी जो होती है उसके ऊपर क्या पूरे के पूरे समुदाय का अधिकार होता है। जिस प्रकार से हम फोडर इकट्ठा करते हैं, फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, मेडिकल हब्स हैं, जो हमारी जो है साझा संपत्ति होती है, वहाँ से हमें इस प्रकार के रिसोर्सेज को हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैंने और कुछ एग्जांपल बताए थे आपको कि हमारा जो शमशान घाट होता है वहाँ पर जा सकते हैं हम, ठीक है, ये पंचायती भूमि जो मैं आपको बता रहा हूँ, या फिर समुदाय होते हैं जैसे अलग अलग जो ग्रुप्स में बटा हुआ हमारा समाज, उनका अपना अलग से जो स्थान होता है जहाँ पर वो इकट्ठा होते हैं। तो इस प्रकार के जो होते हैं पर्सन वहाँ पर क्या उनको कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स के नाम से जाना जाता है। उसके बाद पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवन ग्रोविंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ द लैंड इज़ लिमिटेड। देखो मनुष्य की जो डिमांड है देखो वो तो कम हो ही नहीं सकती, वो तो लगातार क्या आपकी बढ़ती चली जाएंगी, और इसी कारण क्या है जो हमारी लैंड क्या है वो लिमिट होती चली जा रही है। मान लो लैंड तो आज भी उतने ही है, हम जो बता रहे हैं कि लैंड को क्या है हम इस प्रकार से खींच थोड़ा सकते हैं, वो तो लैंड तो इतने ही देखने के लिए, ऐसा नहीं कि भी हम इस तरफ और इस तरफ से खींचना शुरू करेंगे लैंड खींच जाएगी, तो खींचना तो मुश्किल है। तो लैंड तो सेम है, तो उस समय क्या पॉपुलेशन मान लीजिए ये थी तो ठीक है हम अच्छी प्रकार से यूज कर रहे थे जिस प्रकार से मनुष्य रह रहा था प्रकृति के अनुसार। लेकिन जैसे जैसे अब ये क्या है, ये मान लीजिए व्यक्ति हैं, ये जनसंख्या ये बढ़ती चली गई तो हमें और समस्या आई। उसके बाद ये डोट और होते चले गए तो और समस्या देखने को मिली, तो उसके बाद क्या है ये और भी देखने को मिलेंगे आपको, इस प्रकार की प्रक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। तो अब देखो ये जो सारी की सारी जो सरफेस के ऊपर क्या जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या है, लैंड तो उतनी है लेकिन हमारी डिमांड्स ज़्यादा होने की वजह से हमारे लिए क्या होती चली जा रही है, ये छोटी होती चली जाती है। द क्वालिटी ऑफ लैंड आल्सो डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और हम दूसरी बात क्या कि हर जगह आपको एक समान जो है भूमि देखने को नहीं मिलेगी, तो वो भी समस्या है हमारे लिए। इसलिए क्या है कि पीपल स्टार्टेड एनक्रोसिंग द कॉमन लैंड्स टू बिल्ड अप कमर्शियल एरियाज, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स इन द अर्बन एरियाज एंड टू एक्सपेंड द एग्रीकल्चर लैंड इन द रूरल एरियाज। उसके बाद जो हम बात करें कि जो पीपल जो लोग हैं उन्होंने क्या कर दिया है, स्टार्ट कर दिया जो कॉमन लैंड होती थी उनके ऊपर क्या है उनको कमर्शियल के अंदर कन्वर्ट कर लिया, यानी कि व्यवसायिक एरिया उनको कन्वर्ट कर लिया, वहाँ पर हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेज बना दिए हैं अर्बन एरियाज के अंदर। और जो है वो कोशिश करें जो एग्रीकल्चर लैंड होती है अर्बन एरिया को कोशिश करा जो एग्रीकल्चरल लैंड है रूरल एरियाज की उसको भी क्या है अपने अंदर शामिल करने के प्रयत्न कर रहे हैं। टुडे द वास्ट चेंजेज़ इन द लैंड वास पैटर्न आल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंजेज़ इन आवर सोसाइटी। जिस प्रकार से जो चेंजेज़ हो रहे हैं सरफेस के ऊपर अर्थ के ऊपर, तो ये क्या है हमारे कल्चर को भी प्रभावित कर रहा है, हमारी सोसाइटी के अंदर भी ये जो है बदलाव होते हुए चलते देखने को मिल रहे हैं। लैंड डिग्रेडेशन, लैंड स्लाइड, सोइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन आर द मेजर थ्रेट टू द एनवायरमेंट बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। उसके बाद जो भूमि निम्नीकरण, जैसे मैंने आपको बताया था भूमि निम्नीकरण का मतलब स्थायी या अस्थायी तौर पर जो मिट्टी गुणवत्ता में है मृदा की गुणवत्ता में कमी आना उसको क्या कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। लैंड स्लाइड हो रहा है यानी कि जो भूमि है वो खिसक जाती है जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या ढलानी नुमा कोई भाग होता है ना जब वो क्या नीचे की तरफ खिसक जाता है तो उसको लैंड स्लाइड कहते हैं। सोइल इरोजन है जैसे कि मिट्टी होती है जो हमारी जो उसको क्या है पानी या जो विंड है उसको बाहर कर लेकर चली जाती है तो वो समस्या है। उसके बाद डेजर्टिफिकेशन होता चला जा रहा है जैसे जैसे हम वृक्षों को क्या लंबी वृक्षों को बहुत लंबी कतारों में काटते चले जा रहे हैं लगातार काटते चले जा रहे हैं तो वृक्षों के डेजर्टिफिकेशन ने बढ़ावा दिया। तो ये मेजर थ्रेड है एनवायरमेंट के लिए यानी कि जो खतरा है एनवायरमेंट को ये सबसे प्रमुख है बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। और इसके अलावा जो हमने लगातार क्या है एग्रीकल्चर का जो एक्सपेंशन किया है और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं जितनी हमने बढ़ाई हैं तो हमने क्या है थोड़ा सा एनवायरमेंट से रिलेटेड क्या समस्याएं भी हमारे को सामने में ये बहुत बड़ी मात्रा में देखने को मिल रही हैं। ठीक है आज सिर्फ हम इतना ही करेंगे नहीं आज इसको कंप्लीट ही करते हैं कंजर्वेशन और करते हैं लैंड रिसोर्सेज का लास्ट टॉपिक आज के लिए। ग्रोविंग पॉपुलेशन एंड देयर एवन ग्रोविंग डिमांड्स हैज़ लेड टू द लार्ज स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट कवर एंड अरेबल लैंड्स एंड हैज़ क्रिएटेड ए फियर ऑफ लूजिंग देयर नेचुरल रिसोर्सेज। जिस प्रकार से पॉपुलेशन बढ़ी है उसके बाद पॉपुलेशन बढ़ने के बाद क्या है उनकी डिमांड भी बढ़ी है, डिमांड बढ़ने के कारण क्या बहुत बड़ी मात्रा में क्या हमने वृक्षों को काटा है। इसके अलावा क्या है हमने कोशिश की हम ज़्यादा से ज़्यादा लैंड प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी कारण क्या हमें खतरा हो गया कि हम बहुत बड़ी मात्रा में क्या है नेचुरल रिसोर्सेज को ख़त्म कर पाएंगे। इसके अलावा जो द प्रेजेंट रेट ऑफ द डिग्रेडेशन एंड मस्ट बी चेक्ड। जो आज के समय में जो ये निम्नीकरण हो रहा है तो हमें इसकी जड़ को रोकना पड़ेगा। एफोरेस्टेशन, लैंड रिक्लेमेशन, रेगुलेटिंग यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड एंड
and fertilization and checks the overgrazing are some of the common method to use conserve land resources. तो हम भूमि को क्या है बचा किस प्रकार से सकते हैं, जैसे कि हमने वृक्ष काटे तो हम क्या करेंगे, वृक्षों को क्या करेंगे वहाँ पर लगाएंगे, इसके अलावा क्या करेंगे हम वहाँ पर क्या है कुछ मात्रा में क्या है जो केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं या फिर फर्टिलाइज़र हैं इनकी जो मात्रा को हम कम करना पड़ेगा, ओवर ग्रेजिंग को रोकना पड़ेगा। ये कुछ कॉमन जो तरीके हैं जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं मिनरल्स को क्या कर सकते हैं, सॉरी जो हम लैंड को क्या कर सकते हैं बचा सकते हैं।